हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी देखिए, मैं ना कहीं जा रही हूँ, तो कहाँ जाऊँगी ना अभी आप लोग को पता चल जाएगा। और आज इतना ज़्यादा गर्मी है ना, तो अभी देखिए अभी तो मतलब पाउडर वगैरह लगाया तो अभी ठीक है मेरा। और बस जैसे ही अपने घर से बाहर निकलेंगे, बस हमारा चेहरा पूरा पसीने से तरो, मतलब पूरा पानी पानी हो जाएगा पूरा चेहरा, एकदम जो मेकअप है ना पूरा बह जाएगा। और ज़्यादा दूर नहीं, बगल में ही जाना था बस से, मतलब यहाँ से पैदल सिर्फ मैं 5 मिनट ही लगा होगा, उतना देर में ही मेरा हालत ख़राब हो गया। मैं बैठ के जब तो 1 घंटा लगेगा, लेकिन यहाँ जब तक रूम में हूँ ना तब तक सही है। और यहाँ से बाहर निकलते ही मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब वो आज संडे का दिन पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा गर्मी होता है। तो बस अभी हम लोग तैयार होके बस निकल गए हैं। तो ये देखिए अभी यहाँ ज़्यादा देरी नहीं लगा, यहाँ आने में सिर्फ ये बस स्टॉप है तो ये 5 मिनट ही लगे होंगे। तो ये बस खड़ा है, इसी बस पे हमें जाना है। तो बस ये बस में चढ़ जाते हैं और मैं भी बैठ जाती हूँ, फिर बस 5 मिनट बाद बस चल निकलेगी। और ये हम लोग पहुँच गए हैं खन्ना। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मतलब देखिए मार्केट में ना आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये मतलब हफ्ता में 2 ही दिन लगता है और संडे को तो कुछ ज़्यादा ही मतलब भीड़ रहता है यहाँ पे। और काफ़ी मैं इस तरफ आई नहीं हूँ, जब भी इस तरफ जाती हूँ ना तो बस से ही मतलब मेरा इच्छा होता है कि कभी मैं जाके वहाँ, इतना सारा कपड़ा का मतलब वो भीड़ है ना वहाँ पे कि हर तरह के मतलब कपड़े वगैरह मिलते हैं। तो बस हमें जहाँ जाना था तो फिर हम लोग बस से उतर गए थे। और मेरा चेहरा देखिए कितना मुझे खुद ख़राब लग रहा था, पसीने से मतलब इतना पानी की तरह बह रहा था पसीना। तो बस स्टॉप से उतर के फिर हम लोग ऐसे ग्राउंड में जाएंगे। तो ये मेट्रो का रास्ता नहीं है, ये बस मतलब हमें रोड पे जाना है तो ये यही रास्ते से जाना होता है। तो यहाँ से थोड़ा सा मतलब हमें ग्राउंड में जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ से ना रोड जल्दी आ जाता है और वैसे जाएंगे ना तो घूम के बहुत देरी लगेगा। तो यहाँ पे देखिए आज पूर्णिमा है, तो यहाँ पे सभी मंदिर वगैरह देखिए अच्छे से सजे हुए हैं। और अभी मुझे जहाँ जाना है बस वो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी हमें एक बस का और इंतज़ार करना है। तो ये देखिए 5-10 मिनट हमें खड़े रहने के बाद हमारा बस आ गया था। फिर से अभी एक बस से ट्रैवल करके आए थे, फिर दूसरा बस पकड़ा ना हमने। इतना ज़्यादा मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था खड़े खड़े, और मेरा हालत देखिए क्या हो गया एकदम। फिर उसके बाद हम लोग आ गए हैं जहाँ हमें जाना था ना, वहाँ हम आ गए हैं। तो काफ़ी मतलब मेरा बहुत ज़्यादा मेरा मतलब मन वो हो गया था, गर्मी के वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। तो उसके बाद ना हम लोग यहाँ अंदर आ गए। और यहाँ अंदर आने के बाद ना मतलब कि देखिए मेरा हालत पूरा, मेरा बाल है ना पूरा भीग गए थे, पूरा चिपचिपा, और मेरा चेहरा देखिए कितना मुझे ख़राब लग रहा है। फिर इन लोगों ने पंखा चल लगा दिया तो बस मैंने बाल खोल लिए, पूरा मेरा टप टप पानी छू रहा था इतना गर्मी। तो बस रूम में बैठ के मैं पंखा से अपने बाल को सुखा रही थी। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा रूम का वीडियो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये रूम है, ये मंदिर है और ये मेरे देवर का घर है। नीचे ग्राउंड फ्लोर में है ये, मतलब नीचे से ढुकते के साथ ही है। तो बस हम लोग वहीं आए हैं। तो यहाँ पे हमने नाश्ता वगैरह करके फिर उसके बाद हम लोग अपना ऊपर आ जाते हैं। तो ऊपर हमने लिया है फ्लैट, ये 4 तल्ला पे है, 4थी मंजिल पे है। तो ये हमारा फ्लैट अभी रेडी हो रहा है। तो ये किचन है, ये देखिए मैं अच्छे से दिखा दे रही हूँ क्योंकि काफ़ी धूल मिट्टी उड़ रही थी, इसीलिए मेरा मतलब मैं थोड़ा थोड़ा ही दिखा पाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी के वजह से ये लोग अंदर भी नहीं आने दे रहे थे, क्योंकि यहाँ पर काम वाम चल रहा था ना। तो ये पत्थर वगैरह बैठा रहे हैं, मशीन वगैरह रखा हुआ, इसीलिए वो मना कर दिए कि बाहर से ही कर लीजिए, अंदर नहीं आने दे रहे थे, क्योंकि वहाँ पर तार वगैरह सब जॉइंट था। और ये यहाँ पर मतलब बात कर रहे हैं प्रमोटर वगैरह से, और मैं थोड़ा सा अपना घूम घूम के वीडियो बना लेती हूँ। तो ये बस इतना सा ज़रा सा ही बालकनी है, मुझे लगा कि पूरा रूम का बालकनी होगा लेकिन ये ज़रा सा ही है। फिर उसके बाद ये इधर में मैं आ जाती हूँ। तो यहाँ पे ये बीच में हॉल है और अगल बगल में 2 रूम है, किचन है और बाथरूम है, बस इसी टाइप का है कुछ। और मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कैसा है, अभी वो अभी बन जाएगा उसके बाद ही समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए पूरा मकान है, चारों तरफ मकान ही मकान है, मतलब खिड़की खिड़की वगैरह के बाहर देखेंगे ना तो मतलब पूरा मकान बना हुई है चारों तरफ, कोई खाली जगह वगैरह नहीं है, सब जगह बन चुके हैं।
तो उसके बाद मैं थोड़ा सा ऊपर आ जाती हूँ, क्योंकि ऊपर छत भी मुझे देखना था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इधर आई थी, तो छत भी मुझे ठीक ही लगा। तो यहाँ पे देखे काफ़ी सारे फूल के पौधे लगा रखे हैं इन लोगों ने, मतलब जिनका घर है ये। तो मैं तो यहाँ फर्स्ट बार आई हूँ ना, तो इसीलिए तो मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैं थोड़ा वीडियो अपना बना लेती हूँ। तो यहाँ देखिए हर जगह छत ही छत नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा, और ऊपर नीचे मतलब किसी का ऊंचाई पे है, किसी का नीचे फ्लोर पे है, लेकिन सुंदर है, अच्छा देखने में सही लग रहा था। तो बस मैं ऐसे ही थोड़ा सा वीडियो बना के फिर हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी था। फिर उसके बाद यहाँ से ना फिर हमें कहीं और भी जाना था, तो बस वहाँ आधा घंटा एक घंटा मैं रुकी, फिर उसके बाद हम लोग मतलब और भी है मेरे रिलेटिव लोग बहुत जन यहाँ पे आके, मतलब घर काफ़ी मतलब ये लोग बहुत साल हो गए यहाँ पे आए, 10 साल हो गए होंगे, तो ये लोग के भी घर आ गई थी, तो क्योंकि कभी आई नहीं थी, तो इस समय क्या ना कि इधर आना हुआ था हम, इसीलिए मैं सोची कि बगल में है तो इसीलिए इनके घर भी आ गई। तो बस इनका घर का भी थोड़ा सा मैंने वीडियो बनाया, रूम है, दो रूम है, हॉल है, किचन है, यही सब है, और मंदिर वगैरह मतलब यही साइट में मंदिर है जो। तो ये बड़ी जेठानी है, उनका घर है, तो बस उसके बाद ये लोग नाश्ता वगैरह देते हैं। तो बस तो मेरा तो इच्छा एकदम ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने एक जगह खा के आई थी, फिर दोबारा से खाने का एकदम ही नहीं, तो फिर आधा घंटा रुकी होंगी, फिर उसके बाद हम लोग निकल गए फिर। और मेरा हालत इतना बुरा हो गया था ना कि मैं क्या ही बताऊँ, पसीने से ना मैं मतलब मेरा चेहरा है ना एकदम, मेरा मन उठ गया कि क्या करती क्या नहीं। तो धूप से बचने के लिए ना मैंने पूरा चेहरा को ढक लिया था, जैसे नई नवेली दुल्हन की तरह, लेकिन ऐसा वो लोग रास्ते में सब देख रहे थे कि क्यों इतना सर ढका है, लेकिन मैं अपना गर्मी और पसीने से छुपाने के लिए ढक लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप लग रहा था। तो यहाँ पे ना ये झील पार्क है, तो मतलब देखिए मतलब तो फिर सब लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे झील पार्क है, यहाँ पे देखिए कितना अच्छा है, लेकिन मतलब चारों तरफ ना जंगल की तरह लग रहा था, मुझे बैठने का तो कहीं जगह ही नहीं था। देखिए चारों तरफ पेड़ पौधे ऐसे घिरा हुआ है, बस ये साइड में एक ही जगह बना है कि वहाँ से खड़ा होकर देख सकते हैं आराम से, बाकी तो देखिए पूरा मतलब पेड़ पौधों से ही पूरा बांध की तरह पूरा घिरा हुआ है। तो ये अच्छा लगा थोड़ा सा, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा वीडियो बनाया। और उसके बाद हमें इतना गर्मी लगा ना, तो ये बोले कि मैं थोड़ा अपना चेहरा धोना, मुझे बहुत गर्मी है, पानी चेहरा पूरा पसीने से भीग गया था, चश्मा भी गर्म हो गया था। तो उसके बाद मैंने भी धो लिया चेहरा और पाँव, क्योंकि मुझे भी मेरा तो बहुत बुरा हाल था पसीना से, मेरे तो बाल ही भीग गए थे बार बार गर्मी से। चेहरा धो लेती हूँ पानी, कितनी बार धो चुकी कोई वो नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग वापस रिटर्न आ जाते हैं, तो बस में वापस से मैं बैठ गई। बस में जब बस जब चलता है ना तब थोड़ा अच्छा लगता है, नहीं तो एकदम भी मतलब नहीं अच्छा लग रहा था, गर्मी और पसीने से तो मेरा बुरा हाल। और कम से कम हम लोग सुबह 8 बजे निकले थे, और हमें वापस आते आते 2:30-2:45 बज गए, उसके बाद हम लोग घर आ गए। और ये देखिए मेरा कितना बुरा हाल है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।